हमारे पास है पावर में 2021, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक इस पे ब्लॉक कर, इसको क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक, ताकि हमारे को एक्स वाई जेड तीनों मिल जाए। और इसमें हमने सिंपली एक मॉडल एरिया क्लियरेंस चला, ठीक है। बेसिकली हम बनाना क्या चाहते हैं, हम स्टॉक मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं। तो स्टॉक मॉडल के लिए हमने वर्क प्लेन ऑलरेडी ले रखा है, ब्लॉक हमने ले रखा है, टूल देना चाह रहे हैं। तो टूल में हम क्या करेंगे, एक नया टूल क्रिएट करते हैं। एरिया मान लो 10 है, ठीक है। तो 10 mm का टूल हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो नंबर ऑफ फ्लूट उसको बता देंगे, कितने फ्लूट है, 3 है 4 है, कितने भी होंगे। उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट करना, वो क्या करेगा, जितना भी एरिया है वहां से अपने टूल की कटिंग कर देगा। जो वर्क प्लेन हमारा एक्टिव होगा उसके हिसाब से टूल चलेगा। पर ये कहाँ से आ रहा है, ये तो वहां से बनना है, ठीक है। इसका क्या कारण है कि जो हमारा टूल पाथ है उसके अंदर एक रैपिड हाइट है। इसके अगर मैं सेटिंग में जाऊंगा तो यहाँ पे हमारे पास है रैपिड मूव। तो ये देखो, ये माइनस हो रखी है, रैपिड मूव के अंदर जाओ। ये माइनस में बहुत है, इसको कैलकुलेट करेंगे फिर ये 10/5 हो जाएगी। और फिर से कैलकुलेट करेंगे, ओके करेंगे, तो हमारी ये लाइन है गायब हो जाएगी, ठीक है। सो फिट करना, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से टूल पाथ है। पर हमने ये क्यों बनाया, ताकि थोड़ा सा इसमें स्टॉप छोड़ देता हूँ मैं, ताकि समझने में आसानी हो हमारे को। हमने क्या किया, यहाँ पर थिकनेस दे दी 1 mm, ठीक है। एक भी ठीक थी वैसे, तो मैं 2 कर रहा। अगर मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक कर दूंगा तो यह बेस की अलग हो जाएगी, सर वॉल उसकी अलग हो जाएगी। अगर दोबारा से इस पर क्लिक कर दूंगा तो दोनों साइड 2-2 है, नीचे भी 2 mm छोड़ देगा, साइडों में भी 2 mm छोड़ देगा। कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा एरिया मिल कट गया। और दो चीजें हम कर रहे हैं कि हमारे को रेस्ट मिलिंग कैसे करनी है। आज में से कोई यूट्यूब पे कोई कमेंट करके पूछ रहा था कि मेरे को रेस्ट मशीनिंग में दिक्कत आ रही है, मैंने एक मॉडल एरिया क्लियर कर दिया है, अब मैं रेस्ट मशीनिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसका हल क्या है, उसका हल बताने से पहले यहाँ पे हमें हमारे पास है स्टॉक मॉडल। तो स्टॉक मॉडल क्रिएट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ये स्टॉक मॉडल क्रिएट है। और ये जो टूल पाथ है, 1 नंबर टूल पाथ को मैं ऐड कर दूंगा स्टॉक मॉडल। अब ऐड करके फायदा क्या हुआ, स्टॉक मॉडल को जब मैं यहां से करूंगा कैलकुलेट, तो ये कैलकुलेट हो गया। देखो जब डॉट डॉट पे दिख रहा है, इसको अगर अच्छे से देखना है तो हम यहां से इसका वायर फ्रेम की जगह शेडेड, तो
हमारे को बार बार वेरीफाई करके देखना नहीं पड़ेगा, बार बार सिमुलेशन चला के नहीं देखनी पड़ेगी कि मेरा कहाँ कहाँ मटेरियल बच गया। तो एक ही बार में हमारे को दिखा देगा कि मेरा मटेरियल कहाँ कहाँ बचा। तो ये हमारे को दिखा रहा है कि 2 बार में एक्स्ट्रा मटेरियल बचा हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस टूल पाथ को एडिट करके यहाँ का ऑप्शन है कॉपी टूल, उसकी एक कॉपी बना ली। अब कॉपी टूल पाथ में मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, जैसे इसकी सेटिंग में जाके सबसे पहले तो ये टूल पाथ क्यों बनाया, ताकि जो 2 एमएम मटेरियल बचा वहीं वहीं चले। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो टूल चेंज करेंगे, थोड़ा छोटा टूल लगाते हैं इससे, ताकि उसको जाने में आसानी हो। वैसे तो इससे भी कर सकते थे हम, इसी टूल से भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टॉक हमने दे रखा है, अब इसको 0.1 कर देते हैं, सिर्फ फिनिशिंग के लिए छोड़ देते हैं जरा सा। और जो हमारा क्वेश्चन था कि रेस्ट मशीनिंग कैसे करनी है, तो रेस्ट मशीनिंग करने के लिए ये रेस्ट मशीनिंग मांगता है। इससे फायदा क्या होगा, टूल वही वही जाएगा जहाँ पहले वाला टूल ने मटीरियल छोड़ा। तो वो कैसे बताएंगे कि पहले वाला टूल कौन सा था, अब इसको कैसे पता लगेगा। तो यहाँ पे जाएंगे रेस्ट में, और यहाँ पे टूल पाथ है, और यहाँ पे हम इसको बता देंगे कि जो मेरा 1 नंबर टूल पाथ है, इसने जहाँ जहाँ मटेरियल छोड़ा, ये 1 नंबर, ठीक है, इसने जहाँ जहाँ मटेरियल छोड़ा वहाँ वहाँ पे हमारे टूल पाथ की कटिंग। कैलकुलेट दबाएंगे, और वो क्या करेगा, 0.5 जो है मटीरियल छोड़ेगा, और 0.1 और बाकी की जगह पे देखो टूल पाथ जो है चल। अब ये टूल पाथ सिर्फ वही वही गया जहाँ पहले वाले ने मटीरियल छोड़ा था। ठीक है, अब इसमें स्टेप ओवर कितना देना है, डेप्थ ऑफ कट कितना देना है, वो हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी अमित हम सर, ये स्टेप डाउन, 0.1 को दोबारा से आप प्रॉब्लम, स्टेप डाउन तो कर देते अमित हैं। सर हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट रुको, सर बता दो इसको स्टेप ओवर को भी 1 एम। 1 एम हमारे पास यहाँ पर 2 एम मटेरियल था, तो यानी कि स्टेप ओवर जो है वो टूल के डायग्राम के हिसाब से 1 एम अंदर जाएगा, यानी 2 कट लगेंगे। और ये है स्टेप डाउन के नीचे को कितना जाना है, तो 1 एम हमारे को नीचे को जाना है। ठीक है, तो फायदा क्या हुआ इसको करने का, कि यहाँ पर मैं एक और स्टॉक मॉडल क्रिएट करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। अब ये 2 नंबर एक्टिव है, तो इस टूल पाथ को ऐड कर दूंगा स्टॉक मॉडल में, तो जो स्टॉक मॉडल एक्टिव होगा उसके अंदर चलेगा। तो इसको हम राइट क्लिक करके कैलकुलेट ओके दबाएंगे। तो अब ये वाला जो टूल पाथ है, इसने जहाँ जहाँ मटेरियल छोड़ा वो ये दिखा, इसको राइट क्लिक करके फिर यहाँ पे शेड क्लिक कर। तो अब ये यहाँ भी दिखाने लग गए, देखो ये साइड हो, ठीक है, ये भी हम देखना चाह रहे। ठीक है, तो ये पहले वाला है, अब जो दूसरे वाला है ये, तो ये जो एक्स्ट्रा आ गया ये भी हमारे को चाहिए। तो 2 नंबर में जाएंगे, ड्राइंग ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे शो ऑल मटेरियल है, हमारे को शो ऑल मटेरियल नहीं करना, हमारे को शो रेस्ट मटेरियल है ना, तो मटेरियल कहाँ कहाँ बचा है। और अगर हम इसको रेस्ट मटेरियल की जगह ड्राइंग ऑप्शन शो रिमूव्ड मटेरियल, तो जो मटेरियल इसने काटा वो देखना है, तो ये देखो ये वाला मटेरियल जो है इस टूल पाथ ने काटा है 1 एमएम। तो ये सेम चीज हम उसमें भी देख सकते थे 1 नंबर को। ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, इसको एक्टिव कर लो पहले,
है, ये मेरा स्टॉक था, स्टॉक में क्या बचा वो दिखा रहे हैं। अगर हम उल्टा देखना चाहते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमने कितना मटेरियल कटिंग किया, तो हम यहाँ से शो ऑल मटेरियल की जगह शो रेस्ट मटेरियल, तो ये रेस्ट मटेरियल दिखाएगा अभी कहाँ कहाँ मटेरियल बचा हुआ है इस पार्ट के अंदर जिसको काटना जरूरी है। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा शो रिमूव मटेरियल, तो एक नंबर टू पार्ट में जो जो मटेरियल काटा वो दिखा रहा है। तो इसका क्या फायदा हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि अगर मैं इसको, ये जो हमारा है ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आती है वॉल्यूम, वॉल्यूम करूंगा तो ये जितना मटेरियल मेरा कट गया रॉ मटेरियल यानी बुरा कितने कितना निकला वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना रॉ मटेरियल निकला ठीक है। तो हमारे को कॉस्ट कैलकुलेशन करते हुए आसानी होगी। और अगर मैं यहाँ पे कर दूं रेस्ट मटेरियल या शो ऑल मटेरियल रेस्ट मटेरियल कर देते हैं ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं मॉडल हाइड कर दूं तो ये हमारे को दिखा रहा है कि ये जगह पे जो है मेरा मटेरियल बच गया एक नंबर टूल बार चलाने के। और अगर हम यहाँ पे कर दें शो ऑल मटेरियल तो ये हमारे को कुछ इस तरीके से दिखा ठीक है। तो ये जो स्टॉक बचा है इसको मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। अब एक्सपोर्ट क्या काम आएगा ये देखो, ये स्टॉक मॉडल में काम आएगा ठीक है। तो हम स्टॉक मॉडल में भी काम कर सकते हैं, यानी कि जो मैंने वर्क प्लेन लिया वहां पे मैं ये वाली फाइल को यूज कर सकता हूँ ठीक है। इसका नाम रख देते हैं X1। अगर मैं इसको एज ए STL फाइल ले लूं एक्सपोर्ट, यहाँ से हम STL फाइल भी कर सकते हैं। इसका नाम रख देते हैं ठीक है। तो हमारे को एक्सपोर्ट कर दिया हमने ठीक है। तो अब मैं जो वर्क ब्लॉक बनाऊंगा तो ये जो स्टॉक मॉडल, अब चाहे मैं इस स्टॉक मॉडल को डिलीट भी करूँ बाद में, मैंने ये स्टॉक मॉडल को डिलीट कर ताकि कंफ्यूजन ना हो, समझने के लिए डिलीट कर रहा हूँ, वैसे करने की जरूरत नहीं है। तो इसको करते हैं ब्लॉक करते हैं कैसे पहले हेलो तो अब हम क्या करेंगे इसको कर देंगे डिलीट स्टॉक मॉडल को। क्यों? क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुका हूँ, इसको भी डिलीट कर देंगे। घबराना नहीं है, मॉडल ही गायब हुआ, मॉडल मैंने हैंड किया था। तो अब मैंने क्या करना है, मुझे ये ब्लॉक क्रिएट करना है जो हमने फाइल सेव की थी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ ट्राइंगल्स में जाएंगे और यहाँ से हम ब्राउज कर लेंगे जो मेरी फाइल है। तो हमारे पास दोनों फाइल है, स्टॉक मॉडल वाली भी आ रही है और STL मॉडल भी आ रही है। तो फिलहाल मैं STL वाली खोल रहा हूँ, ओपन करेंगे करेंगे। यहाँ से जब हम ब्लॉक क्रिएट करते हैं तो यहाँ से नेम वर्क प्लेन करके एक नंबर लेते हैं। तो ये हमारा ब्लॉक मॉडल यहाँ से नेम वर्क प्लेन का मतलब है जो हमने ये वाला प्लेन बनाया हुआ वो वाला। अब देखो ये स्टॉक वही वही आया है, जो फिनिशिंग का प्रोडक्ट होगा या कोई फोल्डिंग का प्रोडक्ट होगा तो वो ऐसा ही होगा, इसमें थोड़ा थोड़ा मटेरियल हमारा एक्स्ट्रा होगा ठीक है नहीं। तो अगर मैं अब मॉडल एरिया क्लीयरेंस चला दूं
क्योंकि दो दो एमएम मटेरियल एक्स्ट्रा है, तो मुझे कोई बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, टूल हमने दे रखा है, ठीक है, मटेरियल हमने छोड़ दिया, मुझे टेस्ट मशीनिंग करने की भी जरूरत नहीं है। ये वन अंडरस्कोर जो वन बनाया था वो हमने टेस्ट मशीन से, और अब क्योंकि मैंने स्टॉक मॉडल ही वैसा वाला ले लिया, तो मुझे टेस्ट मशीन दबाने की जरूरत नहीं, क्योंकि टूल वही चलेगा जहाँ पर मटेरियल बचा। ठीक है, तो स्टॉक मॉडल बनाने का फायदे बहुत सारे हैं, इसलिए हमारे को स्टॉक मॉडल को ध्यान से समझना चाहिए। ठीक है, ये लिफ्ट को हम बाद में देख सकते हैं, फिलहाल मेरा मकसद दो था कि मेरे को रेस्ट मशीनिंग कैसे करनी है। तो रेस्ट मशीनिंग एक ये तरीका है और दूसरा स्टॉक मॉडल के थ्रू तरीका है, तो दोनों ही बहुत बढ़िया तरीके हैं। ठीक है, ये रैपिड मूव को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो हमारे ये लिंक्स हैं इनको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या स्किम होना चाहिए या कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो ये वो अलग बात है, अभी हम उसके अंदर नहीं जा रहे, सिर्फ हमारा मकसद था कि स्टॉक लिंक के बारे में बता दीजिए, इसका मतलब क्या क्या होता है। नहीं नहीं बता नहीं है भाई, ये नहीं। ठीक है, हाँ ये तो हमारे को हाँ रेस्ट मटेरियल समझ में आ गया, 3 पॉइंट वर्क प्लेस समझ में आ गया। ठीक है, हमारे को पैटर्न क्रिएट करने का समझ में आ गया। ठीक है, और हमारे को व्यू भी समझ में आ गया। एक और चीज दिखाता हूँ, इस फाइल को मैं कर देता हूँ क्लोज, क्योंकि जब हम ये पार्ट को खोलते हैं, जब मैं ये पार्ट को मैंने इंपोर्ट किया मॉडल को, ठीक है, तो ये मेरा मॉडल था। अगर किसी को प्रैक्टिस करने के लिए मॉडल चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप करो, ठीक है, चैनल को भी ज्वाइन कर लो, चैनल ज्वाइन करने के बाद आप हमारे मेंबर बन जाओ, मेंबर बनने के बाद आप ये मॉडल प्रैक्टिस करने के लिए ले सकते हो। ठीक है, तो चैनल को भी ज्वाइन कर लेना ये वीडियो देखने के लिए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि ये हमारा जो है किस एंगल पे पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसका ट्रांसफॉर्म देखें तो कहीं और ही पड़े, इसको जूम फिट करके देखो। ठीक है, तो इसको सीधा करने का क्या तरीका है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमने इसको किया ऐसे करो। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करेंगे वर्क प्लेन क्रिएट करेंगे, वर्क प्लेन क्रिएट करेंगे 3.1, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट ये तीसरा एक्सेप्टेड एंड एक्सिस। तो ये हमारा वर्क प्लेन आ गया। अब इस वर्क प्लेन को अगर मैं एक्टिव कर दूंगा तो हमारे को अच्छे से नजर जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे तो सीधा नजर आ रहा है, पर जब मैं टॉप व्यू पे क्लिक करता हूँ तो टॉप व्यू मेरा किसी एंगल पे पड़ा। तो हम क्या करेंगे, पैटर्न क्रिएट करेंगे, क्रिएट पैटर्न, और इसके कर्व एडिटर में आ गए। कर्व एडिटर में आके यहाँ पर एक लाइन लगाता हूँ, सिर्फ ये चेक करना चाह रहा हूँ मैं कि ये कितने डिग्री को। ठीक है, इस लाइन के ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करूं पैटर्न के कर्व एडिटर में आ जाते हैं, और इस लाइन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारे दिखा रहा है 50 डिग्री। ठीक है, तो अब मुझे ये पता है कि ये 50 डिग्री है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस मॉडल को एडिट के अंदर ट्रांसफॉर्म है, अब मैं इसको 50 डिग्री जेड के अलाउंड, देखो ये जेड के अलाउंड मतलब किसको फिक्स रखना है। ठीक है, किसको फिक्स रखना है उसके एग्जाम है 4 डिग्री का कैंसर। ठीक है, तो ये हमारा रेड हो रहा है, तो ये हमारा अगर हम यहाँ पर -50 कर देंगे तो ये इसको पहले सेलेक्ट जरूर कर देगा, सेलेक्ट करके राइट क्लिक एडिट ट्रांसफॉर्म -50 कर देंगे तो ऐसे घूम जाएगा। और जेड में ठीक है, अगर कोई सरफेस छूट गई तो वही की वही रह जाएगी, तो ये
बेसिकली जब भी सिलेक्शन करो तो ध्यान से करो, ठीक है। इसको मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मॉडल दोबारा से इंपोर्ट करते हैं, मॉडल हमारा आ गया। विशेष स्टेप या पहला सॉलिड फाइल हो ना तो ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि ये सॉलिडवर्क्स की फाइल है इसलिए वो उसको एज ए सरफेस क्रिएट कर देता है। अगर पहला सॉलिड फाइल हो या स्टेप फाइल हो तो हमारा मॉडल जो है ईजीली आएगा भी और सही तरीके से रोटेट होगा। अगर पावर शेप में बनाया तो और भी अच्छी। तो अब हम क्या करेंगे, क्या गलती कर रहे हैं, हम इसको अच्छे से सेलेक्ट करें, ठीक है। अब देख लो कोई सरफेस रहता है, और उसके बाद हम यहाँ से एडिट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ये रोटेट हो जाएगा, सेक्टेड टॉप व्यू करो, ये देखो अभी भी थोड़ा सा फर्क है। तो हम क्या करते हैं, जो कर्व एडिटर में जाते हैं, एक लाइन और लगाते हैं और इस लाइन के ऊपर हम क्लिक करके देख लेते हैं कि ये हंड्रेड डिग्री है, ठीक है। तो फिर मैं थोड़ा सा अभी ये 100 है, हमारे को इसको स्ट्रेट करना है, ठीक है। समझने वाली बात है कि ये 900 डिग्री पे है अगर इसके लिए, तो इसको स्ट्रेट करने के लिए मुझे इसको 10 डिग्री अगर मैं ले लूंगा तो ये 90 डिग्री का है जेड के अलावा, यानी कि मुझे -20 डिग्री क्योंकि 10 मैंने और घुमा दिया तो -20 मैं तो ये सीधी हो गया, ठीक है। तो दिखा के फिर मैं जाओ कपड़े या फिर लड़ाओ कि कितने डिग्री पे अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये सीधा हो गया, तो ना सीधा हो गया। अब मैं इसको ऐसे मैट्रिक में करके रहेगा और बाकी सारी चीज़ें हमारे को आती है। ड्रॉप में गए तो वहाँ से करते हैं ट्रायंगल्स, यहाँ से ब्राउज कर लेंगे और फिर वहाँ स्क्रॉप मॉडिफाइड मॉडिफाइड तो एसटीएल फाइल तो हमेशा उठाए, ठीक है। यहाँ से ट्रायंगल्स कर, यहाँ से नेम नंबर क्लिक कर, ब्राउज करेंगे, स्टॉप एसटीएल फाइल को उठाने में कोई आ जाएगा, सेट करेंगे और जो भी डोर बात क्रिएट करना है वो क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाना है, आपके साथ वीडियो शेयर करनी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा कमेंट बॉक्स में लिखना। और अगर आपको मॉडल चाहिए या कुछ ऐसे ट्यूटोरियल और चाहिए तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, जितने फ्रेंड्स सर्कल में लोग सबके साथ शेयर करें।